गाइज मैंने एडसेरा ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मेरा सीपीएम कितना जा चुका है। तो अगर आप भी इतना सीपीएम करना चाहते हैं, रुको जरा, सबर करो। मैंने अपने पोस्ट के अंदर हाई सीपीएम जो कीवर्ड्स है मैंने वो लगाए थे, तो आपने किस तरह फाइंड करने हैं, आपने अपने पोस्ट के अंदर किस तरह पेस्ट करने हैं, मैं ए टू जी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल पे आना है। चैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे चार आइकन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ऊपर ब्लॉगर शो हो रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपके सामने एड शो हो तो उसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे सर्च पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आके आपने लिखना है हाई सीपीएम कीवर्ड्स। यहाँ पे मैं अभी सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पे एड शो हो चुका है, तो इसको मैंने क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सर्च पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने काफी सारी पोस्ट आ जाएंगी, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे एडसेरा हाई सीपीएम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पोस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे क्लिक कर पर आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन ना हो, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बताया कि आपने लिंक किस तरह ओपन करना है। तो आप जब इस तरह वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पे कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपने जोन से भी पोस्ट बनाई होगी, तो उसका आपने यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर देना है। अभी मैं एक कोई भी अपनी पोस्ट खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट खोली है, तो इसका मैं जो टाइटल कॉपी करूंगा थोड़ा सा, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। जो भी आप बनाना चाहते हैं पोस्ट, उसका आपने यहाँ पे टाइटल लिख देना है। तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा साइड बार पे जाना है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको कीवर्ड जो है अभी हाई नजर नहीं आ रहे, ठीक है, ये लो इतना है और हाई इतना है, ठीक है। तो हमें जो ज्यादा सीपीएम चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, ये लो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ज्यादा हो चुका है। तो जो ये वाले कीवर्ड है, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा स्लाइड बार पे जाना है। यहाँ पे मैं इस तरह जा चुका हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्ज करें कि आपके टाइटल से जो मैच हो रहा है, आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। ये हाई सीपीसी जो है, आपने ये वाले कीवर्ड रखने हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि कॉपी करके अपनी पोस्ट के अंदर लगाने हैं। तो किस तरह लगाने हैं, मैं अपनी पोस्ट के अंदर जाता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं कि अभी मैं बैक जाता हूं, तो ऊपर जाके, तो यहां पे मैंने एक न्यू बनाई है, तो यहां पे आपने इसको एडिट करना है। यहां पे आप देख भी सकते हैं कि यहां पे जो सवालिया निशान है, इस पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने यहां पे स्पेस देनी है, ठीक है, मैं अभी यहां पे स्पेस दे लेता हूं। तो यहां पे जितने भी सवालिया निशान है, इसमें आपने हाई सीपीसी जो कीवर्ड है, आपने ये वाले उठाने हैं, ठीक है। ये हाई सारे जो है आपने उठा लेने, ये वाले जिस तरह हो गए, ये वाले हो गए, ये आपने कॉपी करके ना, ये वाले ये देख सकते हैं कि ये वाला अगर कीवर्ड वो सर्च करेंगे तो आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ज्यादा रखना है, ठीक है, जितने ज्यादा देंगे आपको उतनी ज्यादा अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि इस तरह कॉपी करना है, इसको कॉपी करके तो आपने और बना लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं देने, मतलब कि कुछ थोड़े बहुत दे देने हैं आपने, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स वगैरह दे देने हैं। ये आपने कॉपी किधर से करना है, तो आपने क्या करना है कि मेरी पोस्ट में जाना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हाई सीपीएम कीवर्ड पेस्ट, ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स बना लेना है, ठीक है। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अभी आपके सामने सब कुछ करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इधर आपने कीवर्ड्स देने हैं, ठीक है, तो मैं अभी ला के तो दे देता हूँ एक एक करके। यहाँ पे मैंने सारे दे लिए हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके अपनी पोस्ट के अंदर लगाना है। तो यहाँ पे मैं अभी लगा देता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल आपने कौन सा देना है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैं अभी चला जाता हूँ, यहाँ पे जितना सबसे ज्यादा जो हाई सीपीसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये 12 लाख यहाँ पे था, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसको आपने कॉपी करना है, ये कीवर्ड को, तो इसको आपने टाइटल बना लेना है। तो मैं अभी कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी करने के
के बाद यहाँ पे इसको मैं टाइटल बना लूंगा। और एक और आपने काम करना है, यहाँ पे मैंने पोस्ट के अंदर यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है रैपिड टैग, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपने सारे कॉपी करके तो आपने अपनी पोस्ट के अंदर लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो लगा दिए थे, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको सर्च जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आके आपने पेस्ट कर देने हैं, ठीक है, जो हमने कॉपी किए थे। तो ये वाले जो जितने भी है हमने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अभी जो आपके ऐड पे जो भी क्लिक करेगा तो आपको ज्यादा सीपीएम मिलेगा और ज्यादा अर्निंग मिलेगी। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से ऐड लगाएं जिसकी वजह से आपको ज्यादा अर्निंग मिल सकती है। ये हमने कीवर्ड तो दे दिए है, अभी हमने अर्निंग जो ज्यादा करनी है उसमें ऐड भी तो लगाना लाजमी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐड लगाने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।